जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAAI ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज़। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रोटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 342 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप 4 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो देख सकते हैं। एससी एसटी फीमेल एंड विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है, और ये जो विकलांग एंड फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी की है इनके लिए कोई फीस लागू नहीं होगी। एंड यहां पर वैकेंसी की जानकारी, इसके अलावा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको दी गई है। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कैसे फिल करना है उसकी वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को वॉच करके अगर उससे फॉर्म भर रहे हैं तो भर लीजिएगा। अभी बात करते हैं मोबाइल से कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और फिर ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये वेबसाइट मोबाइल में आपके सामने पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होगी, आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या वीडियो देखते हैं ऐसे चलाना है। साथ ही साथ आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो जैसे ही डेस्कटॉप मोड में होगा और आपका लैंडस्केप मोड में मोबाइल होगा तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आप क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, और ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। आपका मिडिल नेम डालना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइज आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे और उसके बाद में लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद यहां पर आती है आपके सामने नंबर की जानकारी, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर सेकंड नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप यहां पर ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालेंगे यानी कि @ से पहले का आपकी ईमेल में जो भी है वो आप यहां पर लिख देंगे, और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल जीमेल पर है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। फिर आप यहां पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर पूरी ईमेल आईडी डालेंगे, कोई डोमेन आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले पर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर स्टेप 2 में आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 के बी और साइन का साइज 10 से 20 के बी रहना चाहिए। पिक्सल या फिर डायमेंशन कम ज्यादा भी होंगे तब भी वो अपलोड हो जाएगा, बट जो साइज मैंने बताया ये आपका आपको उसी के बीच में रखना है। मैंने फोटो और साइन ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूं तो मैंने एक रैंडम फाइल सिलेक्ट किया दिए गए साइज के अंतर्गत। तो आप जैसे ही फोटो सिलेक्ट करेंगे वो यहां पर आ जाएगा, फिर आप आई कंफर्म इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ मैंने ही इसको ये अपलोड किया है और बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद सेम वे में आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड देन आप इसको भी आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। फिर आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपकी फॉर्म की बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले पोस्ट, आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। अगर आप दो पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से न्यू रेशन करना होगा। एक रेशन से आप दो पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मैं ओबीसी हूं बट इस फॉर्म को मैं जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए भर रहा हूं तो मैं एसटी सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। इसके बाद है कि क्या आप विकलांग है, अगर हां तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप यहां पर आएंगे और एक ऑप्शन है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, यानी कि आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है और इस सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, अगर हां तो आप यस कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको कोई भी इस तरह की डिफिकल्टी नहीं है राइटिंग के अंदर लिखने के अंदर, तो आप यहां पर नो कर दीजिए। देन गाइज आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको आंसर करना है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप एक इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय नागरिक है, तो आप इसमें यस करेंगे।
फिर आपसे पूछे कि क्या आपने यहाँ पर वन ईयर की अप्रेंटिसशिप की है सक्सेसफुली AAIN के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस तो फिर आप अपना अप्रेंटिस नंबर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पूछे कि क्या आप एक AAI यानी कि AAI के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आती है स्टेट UT NCR विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग, यानी कि आप किस स्टेट के अंदर अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं। पहले स्टेट यहाँ पर आप किसको दे रहे हैं प्रेफरेंस के रूप में वो आपको सेलेक्ट करना है, उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड में आप किस स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ कि तीनों में आपको स्टेट अलग अलग ही सेलेक्ट करनी होगी, सभी में आप एक ही स्टेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर तीसरी प्रेफरेंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही, जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ इसी वे में। एंड इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर आपका ईयर। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो फिर आप यस करके आपके जुड़वा का नाम और उसका जेंडर भी बताएंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपके फादर्स का नेम देंगे, आपकी मदर्स का नेम देंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। एक सेक्शन के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा एड्रेस का पार्ट आप यहाँ पर तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है और स्टेट यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और पिन कोड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। देन यहाँ पर है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं तो अलग से आप अपना एड्रेस भर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा, साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो जान लीजिए कि जिनकी क्वालिफिकेशन 4 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी वही कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड या फिर SSC, तो आप डिग्री के अंदर यहां पर SSC लिख देंगे और या फिर आप मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर SSC लिखें, क्योंकि इसका मतलब 10th होता है। फिर आप यहां पर डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर ले कि कब आपने किस डेट और किस महीने और किस साल के अंदर पास की थी, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहां पर आपका डालेंगे और फिर आप यहां पर 12th और HSC के अंदर अदर्स के ऊपर क्लिक करके HSC सेलेक्ट नहीं बल्कि HSC आप यहां पर लिखेंगे। फिर आप डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज दे देंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन आपके सामने, तो ग्रेजुएशन आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी भर सकते हैं। तो जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपनी परसेंटेज डाल दीजिए। ग्रेजुएशन फर्स्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहां पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस डिग्री का नाम और डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज दे देंगे। कंपलसरी रूप में आपसे ग्रेजुएट की ही योग्यता मांगी है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आती है एक्सपीरियंस की जानकारी, तो इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं पड़े, यानी कि आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो आप यहां पर अब नीचे से आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जो भी जानकारी भरी है सभी चेक करते हुए आइए डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से आप ओके करेंगे एंड देन यहां पर आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपकी बाएं अंगूठे का निशान है, यानी कि आपने एक ब्लैंक पेपर लिया उस पर आपका बाएं अंगूठा लगाया और उसको स्कैन करके यहां पर उस फाइल को अपलोड करना है। साइज 50 KB से कम रहना
होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है, इसमें आपको क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आएंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखेंगे, इसमें जो लाइन आपको यहाँ पर दी गई है आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर पर लिखनी है अपने हाथ से। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम दे देना है और फिर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज इसका 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जैसे ही आप दोनों फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, फिर सिक्योरिटी कोड डालिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में गाइज जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके लिए फीस का ऑप्शन आएगा, उनको अपनी फीस जमा करनी होगी। जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो फिर वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे और वो इस वाले सेक्शन पर आ पाएंगे। बट एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो जैसे ही वो इसको अपलोड करते हैं तो उनके सामने डायरेक्टली फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। अगर अभी प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में इसको प्रिंट करा करके रख लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप डबल AI जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।